तो हे गाइस, एक बार फिर से हम आ चुके हैं पैरवर्ल्ड के अंदर। और पिछली बार एनोबिस ने हमें बहुत गंदी तरह हराया था। मेरे सारे पैल्स अभी तक मरे हुए हैं। अब मैं इतनी तैयारी के साथ आऊँगा और उस एनोबिस को वापस से तो क्या मतलब पहली बार ही सही हराएंगे ज़रूर। और ये बॉस एनोबिस हमारे कब्ज़े में होगा। तो अब जाते हैं बेस पे और तैयारी करते, थोड़ी पूरे अच्छे तरीके से तैयारी करेंगे और फिर वापस आएंगे एनोबिस से पंगा लेने। और नहीं भाई, इस बार तो मैं उसको कैप्चर करके रहूँगा। ये एनोबिस हमारे कब्ज़े में आके रहेगा। फ़िलहाल काफ़ी दिक्कत में हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे आसपास मेरे को कहीं पे भी फास्ट ट्रैवल नहीं दिख रहा। तो पहले वो ढूँढ लेता हूँ और फिर आता हूँ वापस। तो मैं सोच रहा हूँ भाई, मैं जाऊँ बेस पे, उसके लिए तो मेरे को कष्ट उठाना पड़ेगा। क्यों ना मैं इन टोको के हाथों अपनी जान गंवा दूँ और ये मेरे को बेस पे अपने आप ही छोड़ देंगे। उसके लिए बस मेरे को इन टोका टोकी को बुलाना और बोलना, आओ फटो फटो भाई फटो, यही काम है तुम्हारा, फटो और मेरे को मेरे बेस पे पहुँचा दो। यस, वॉलेंट्रली सुसाइड कर लिया हमने। सुसाइड तो वॉलेंट्रली होता है, बट हम पहुँच जाएंगे अपने बेस पे और बस देखते हैं। तो इससे पहले कि मैं एनोबिस से लड़ने जाऊँ, एक बेहतर चीज़ ये रहेगी कि मैं ट्राई करूँ कि मैं अपना लेवल अप ना कर लूँ। और अगर मैं एक बार लेवल अप थोड़ा सा कर लूँगा तो बहुत सारी चीज़ें होंगी। मेरे पैर का लेवल बड़ा होगा, मेरा लेवल बड़ा होगा, सबकी HP बढ़ जाएगी, थोड़े स्ट्रांग हो जाएंगे हम। तो मैं चाहता हूँ किससे लड़ने के लिए, ये कौन है भाई, ये जो भी बॉस है इसको चाहता हूँ, इससे थोड़ा लड़ता हूँ और फिर देखते हैं भाई कितनी HP कितना XP हमें मिल रहा है, उसके अकॉर्डिंगली कितने बॉसेस और से लड़ना पड़ेगा और फिर जाएंगे फाइनल पूरी तैयारी के साथ एनोबिस से लड़ने। और कुछ भी हो जाए भाई, अब थक गए हो यार मैं फेल हो के, एक बार वो किंग पाका तंग करता रहता है, अब ये एनोबिस भी हो गया भाई, नहीं तो पकड़ के रहेंगे कैसे ना कैसे, कोई ना कोई स्ट्रेटजी लगाएंगे और पकड़ेंगे। अभी मैं चाहता हूँ इस बॉस बैटल को लड़ने के लिए। तो हमारा बॉस ये कौन है, एल्फी ड्रैन। तो भेज दिया हमने अपने, कौन था यार, जॉर्मनटाइड को भेज दिया। जॉर्मनटाइड और इसकी लड़ाई हो गई चालू। अब देखते हैं क्या होता है, कितनी देर में ये जॉर्मनटाइड इसको हराता है। तब तक हम भी थोड़ी सी हेल्प करते हैं, मस्केट के एक आध शॉट दे देते हैं। अरे 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 ना ना भाई, करो करो आराम से लड़ो। और इसको तो मैं गीगा स्फीयर में ही कैप्चर कर लूँगा, इतनी कष्ट उठाने की ज़रूरत नहीं। पानी के फुहारे मार रहा है जॉर्मनटाइड अच्छे तरीके से, कोई जल्दी नहीं है। आग भी लग गई है, आग का डैमेज भी पड़ता रहेगा। मैं आग लगा रहा हूँ, वो पानी डाल रहा है, बढ़िया भट्टी से सिक रही है यहाँ पे। चलो चलो, होने वाले हैं, एक आध और अटैक पड़ेगा और ये बॉस बैटल तो हम ऐसे ही जीत जाएंगे। मतलब एक अटैक मार दो, अच्छे सा मार दो भाई, किसका वेट कर रहे हो, बस हो गया हमारा काम। एक हाइपर स्फीयर फेंक देंगे, हमें अभी बस पैल कैप्चर करना है और वो हो जाएगा ना यार, टेंशन थोड़ी देनी है, हो गया। और XP के नाम पे तो हमें कुछ भी नहीं मिला है, लेकिन हाँ 36 तक तो जा सकते हैं। तो एक काम करता हूँ, अब एक और बॉस बैटल लड़ता हूँ और देखता हूँ कि अब अगले किस बॉस से लड़ना है, ढूंढता हूँ। तो देखो, सेकेंड बैटल करने के लिए मैंने चुना है ये वुम्पो बुठान को। वुम्पो क्रिश तो हमने पकड़ लिया है, अब बारी है ये वुम्पो। ओह क्या बालों वालों में भाई, बाल तो मतलब है ही नहीं, बट जो भी है उसके अंदर फूल वूल बढ़िया लगा रखा है वुम्पो जी ने। थोड़े गुस्से में लग रहे हैं वुम्पो जी, और मुंह में रखे हैं इन्होंने क्या, नीम के पत्ते। तो इनके ऊपर हम छोड़ेंगे अपने दोस्त को, सुजाकू दोस्त को। अब देखते हैं सुजाकू दोस्त इनका क्या हाल करता है। अच्छा खासा डैमेज आया है, क्रिटिकल डैमेज मार रहा है, 5-5 की स्पीड से। और आग लग गई है वुम्पो जी को, वुम्पो जी की आग बरकरार रहे और वुम्पो जी जलते रहे, क्योंकि अगर ये जलते रहेंगे तो हमें मज़ा आता रहेगा। तो आप जलते रहे वुम्पो जी, और ऐसे करके अब इनके भाई को भी भेज देते हैं ना इनको जलाने के लिए। अरे अरे देखो, ये है वुम्पो और ये है वुम्पो भूटान। तो देखते हैं बड़ा वुम्पो जीतता है कि छोटा वुम्पो। वो फैसला बस हमें थोड़ी देर में देखने को मिल जाएगा।
मैं अपनी सारी दौलत सट्टे में लगा देता वुम्पो पे लगा देता हूँ, वुम्पो अपने वुम्पो पे। तो देखते हैं हमें कैसे रिटर्न मिलते हैं और कितना एक्सपी मिलता है। लगता है एक और बॉस बैटल लड़नी पड़ेगी। तो अभी तक तो जी अच्छा खासा काम कर रहे हैं, बट थोड़ा दूर रहते हैं। पैल से ना थोड़ी दूरी बना के रखनी चाहिए, आपको पता नहीं कब आपके ऊपर क्या कर देंगे। तो इसलिए आराम से लड़ाई करेंगे। बट इतनी फुर्सत किस पे है, लोगों का रिटेंशन है 5 सेकंड का और हम 5 मिनट तक सिर्फ ये बैटल दिखाएं, ऐसे कैसे होगा। इसलिए हम छोड़ देंगे एक जॉर्मनटाइट को, जो शायद उसको जल्दी हरा दे। जॉर्मनटाइट है तो काफ़ी बड़ा सा, बट ये वुम्पो का वुम्पी बनाता है कि नहीं वो देखने वाली बात है। ओह पॉइजन का तो काफ़ी बढ़िया तरीके से असर हो रहा है, और पॉइजन के साथ साथ फायर भी हो जाए तो बढ़िया ही हो जाएगा। तो डैमेज तो मतलब परिपूर्ण तरीके से पड़ता रहेगा भाई। असर देखो भाई कितना तगड़ा असर है, एक बार डैमेज कर दो लगातार डैमेज होता रहता है। ये देखो आ गई है एचपी, तो होने वाली है 1000 के नीचे। ये देखो अब इनके ऊपर हो गया फायर का प्रकोप और वो डाल देगा पानी। अरे 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 भाई भाई ये होता है ना, ज़्यादा थोड़ा जज्बाती हो जाते हैं ना इंसान, थोड़ा दूर आना पड़ेगा। मैं पैल फेंक दूँ गीगा स्फीयर और शैल यूज़, कौन सी स्फीयर यूज़ की जाए, गीगा स्फीयर सही रहेगी। गीगा स्फीयर डाल के देखते हैं, 5% का कैप्चर रेट है ना, इसमें तो नहीं आ रही भाई। देख रहे हो मेरी, देख रहे हो भाई सोने की गेंदे फेंके जा रही है भाई। ये क्या है, ये क्या ग्लिच हो रही है, ये इसमें तो नहीं आ रहा, इसमें ही फेंक देंगे फिर। ले भाई, ओ ओ ओ ये क्या वेस्ट कर दिया भाई, और इसने ये भी वेस्ट कर दी, शाबाश भाई, कुछ ज़्यादा ही हो गया। वुम्पो माने आप बॉस हो, बट वो जो हमने स्फीयर आप पे अभी अभी कुर्बान करी वो हमने एनुबिस के लिए रखी थी, अब अगर तुम ही नहीं आ रहे हो उसके अंदर तो एनुबिस की क्या अम्मा आएगी। आ जा, आ गई, हो गया अच्छी खासी बॉस बैटल हो गई। 19,000 का हमें प्राप्त हो गया है एक्सपी। अब वापस जाते हैं एक और बॉस को ढूंढने जिसका लेवल भी ऐसे खतरनाक सा हो। अरे ओ चल काम कर, नाइट में काम करो, चलो अब मैं ढूंढता हूँ दूसरे बॉस को। इस मैप में बॉस ढूंढना हो गया है दिक्कत का काम। तो मैं ये कैट्रेस है इसको डिफीट करता हूँ जाके। तो प्लान में हो गया थोड़ा सा चेंज, उस पैल की जगह मैं आया हूँ ये वर्ड एश से पंगे लेने के लिए। अब ये देखो भाई कितना मतलब मेहनत कितनी करता हूँ, ये कैटरेस हो तो बाद में ये एरिया में एक्सप्लोर ही नहीं करता। करेंगे इसको फुर्सत में, अभी वर्ड एश से लेंगे पंगा और देखते हैं कि वर्ड एश कैसा पैल है। मैंने इनको याद ही नहीं है कि भाई मैंने इसको कभी हराया ज़िंदगी में कि नहीं हराया, और अगर नहीं भी हराया तो अब हरा देंगे। लो लड़ो, 37 लेवल आज होके रहेगा, 37 लेवल हो जाएगा, फिर एक बार जाएंगे। नहीं यार सोच रहा हूँ मैं एनुबिस से अभी लड़ा जाए कि बाद में लड़ा जाए, ये सोचते रहेंगे थोड़ी देर तक, डिपेंड करता है ये वर्ड एश कितनी जल्दी पिट जाता है। ओह ये अगर मार दिया जाए, ओह क्या शॉट मारा, 100 का डैमेज सीधा, और ये मार रहा है लाते जिसके अंदर हो, पत्थर वाली लाते मार रहा है ये, और मैं मारूँगा तुझे गोली। अरे भाई ये क्या कर दिया इसने, एक गोली को रीलोड भी तो करना होता है, आग ही लगा दी, और इसका बवंडर पैनवर्ल्ड के अंदर। आप याद रखें कि आपको बवंडर के अंदर नहीं कूदना है, बवंडर के अंदर अगर आप कूदोगे तो आपकी जान को खतरा हो सकता है। आज का लेसन याद रखना, भी वर्ड ऐसे वापस पंगा लेते हैं फटाफट टाइम वेस्ट करे बिना, बट मैं शायद जा ही नहीं पाऊंगा ना क्योंकि 10 मिनट का तो कूल डाउन पड़ जाता है। लेट्स सी रे मुसांडे, जाने दे भाई हमें,
हाँ जाने तो दे रहे हैं, मैं जाते अब भी बदला लेंगे यार पागल। मेरे से पंगा ले रहे, तूने मेरे से पंगा लिया, मेरे से क्या सोच के तू मेरे को हरा देगा, इतना बड़ा हो गया तू, अभी देख कितना डैमेज खा रहा है पॉइजन का, आग का भी खा पॉइजन का भी खा। इतनी जल्दी इसकी 600 HP जो गायब करिए ना, बस ये होता है भाई। ऐसे बाउंड्रो से आपको दूर रहना, और डैमेज देखो भाई, पता लगा तुम्हें, HP देखो इसकी, 1000 HP डाउन हो गया, 1000। और अभी कैसे मारेगा ना इसको, मार सुजाकू, मैं भी मारूँ, एम कर लेते अच्छे से। ये देखो आग के अंदर पॉइजन का अच्छा खासा असर होते हुए 1500 HP आ गई है, और अब थोड़ी देर में बस ख़त्म ही हो जाएगा भाई। थोड़ी गोलियां मार देते हैं, का हेडशॉट ले लेते हैं, अपनी प्रैक्टिस कर लेते हैं थोड़ी BGMI वाली। यस मैं सोच रहा था कहीं गलत स्फीयर ना फेंक दियो मैंने, अरे ये तो एक ही बार में आ गया है, और न्यू पैल कैप्चर भी होगा, और थोड़ा सा और HP बचा है, जिसके बाद लेवल 36 पे आएंगे हम, ठीक है, लेवल 36 इज नो लेस, तो लेवल 36 पे खेल लेंगे, इनको मार देते हैं, लेवल 36 तो ऐसे ही हो जाएगा भाई। ये है क्या, ये मेरे पास नहीं है ना, ये गोरी रात, क्या पैल है भाई, इसमें आ रही है, मेगा स्फीयर में आ जाएगा। तो लेवल हो गए हैं यहाँ पे अपग्रेड, लेवल कौन से 36 लेवल पे तो हम आ गए हैं, और अब चाहते अपने बेस पर, ये क्या मुसांडा पुसुंडू से लड़े, निकलता हूँ अपने बेस को और करते हैं थोड़ा आराम। तो गाइस हमारा लेवल अप तो आसानी से हो गया, और एक शाइनी पैल है जो बाहर घूम रहा है बेस के, ज़रा शाइनी पैल को देख के आते हैं कि कौन सा शाइनी पैल घूम रहा है। ये इरीटेट होता है ना, एक तो ये बाहर घूमते रहते हैं, फिर छुई छुई ऐसी आवाज़ें आती रहती, तो फिर दिमाग में क्यूरियोसिटी आ जाती है ना भाई, कि कौन सा पहल है जो छुई छुई कर रहा है, और अब बाहर जाके देखा तो कुछ दिख नहीं रहा, तो कहाँ से आ रही है भाई आवाज़ें। यार वो सब बात की बात है, अभी लेवल 36 पे मैं अपग्रेड करता हूँ अपने टेक्नोलॉजी पॉइंट्स का थोड़ा सा यूज़ करके, कि मुझे ये सिंगल शॉट राइफल मिली है, पॉलीमर चाहिए इसके लिए, राइफल एमओ भी अनलॉक कर लेते हैं, लार्ज पैल बैट, क्विवरिंग सैडल ठीक है, काफ़ी बढ़िया चीज़ है तुम्हारी, अनलॉक हो गई है। मैं देखता हूँ ये सिंगल शॉट राइफल बनाने का जुगाड़, उसके लिए क्या चाहिए मेरे को, पॉलीमर चाहिए, थोड़ा पॉलीमर बनाते हैं, पॉलीमर अपने पास है ये। अरे यार पैल्स काम करेंगे ना यार, हम ही काम करना है तो फिर मतलब क्या हुआ पैल्स का, और कहाँ गई मस्केट में सिंगल शॉट राइफल, हमें चाहिए रिफाइंड इंगेट डाल देते हैं, रिफाइंड इंगेट के लिए भी सामान, और एनओबी से लड़ाई करेंगे अगले एपिसोड में, आज के एपिसोड में लेवल अप करते हैं अभी। हाँ ये देखो, हाँ अच्छा कोल ही नहीं है ना, कैसे बनेगा सामान, कोल लाना पड़ेगा, फिर डेजर्ट जाओ कोल लेके आओ, कोल की अवेलेबिलिटी इतनी कम है कि क्या करें, कोल लेकर आएंगे फिर, और फिर बनाएंगे अपना जो भी है। और मैं मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में, मस्केट की जगह मेरे पास होगी सिंगल शॉट राइफल, तो बने रहना लाइक और सब्सक्राइब प्लीज़ करके जाना प्लीज़, ओके चलो बाय सी।